नहीं नहीं ऑर्डर है नहीं नहीं कोई पासपोर्टी दिया और व्हाट्सएप की एफआईओ को सलाम है जाहिर है अच्छा कि जितना मेंटल टॉर्चर वो कर सकते हैं तो नहीं किया नहीं मेंटल टॉर्चर क्या पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं जाहिर यही कहते हैं माने आपके डाटा आपने दिया भाई मैंने नहीं दिया मैं कैसे मानूं जो मर्जी करें आप जो चीज मैंने की नहीं मैं वो नहीं मान सकता बार बार सवाल करते रहे लैपटॉप बार सवाल करते रहे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो आपको उठाया कैसे था मैं तो इसका क्रेडिट भट्ट साहब को दूंगा मोहसिन भट्ट जो डीजी एफआईए हैं वो मुझे जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से गुज़िश्ता कई सालों से तो ये भट्ट साहब की मेहरबानी है दहशत गर्दों की तरह उन्होंने मुझे घर से उठवाया है को 20-25 बंदे भेज के घर का दरवाजा तोड़ के को मैं कहाँ वांटेड था मैंने कौन सा क्राइम किया जो भट्ट साहब को ये नौबत आ गई या उनकी कान पट्टी पे किसने कोई चीज़ रखी थी कि भट्ट साहब शाहिद असलम को ऐसे उठवाना है अभी एफआईए वालों ने मुझे बताया है कि उनको ऑर्डर था ऊपर से कि शाहिद असलम को पूरा जलील करके लाना है आपने इसको आपने बेइज्जत करना है ड्रैग करके लाना है लाहौर से भाई ऊपर से किसका ऑर्डर था क्यों था मुझे नहीं पता ये एफआईए वाले से पूछे आप किसका ऊपर से ऑर्डर था या भट्ट साहब बताएं भट्ट साहब को क्या प्रेशर है भट्ट साहब पे ये नई रवायत चल पड़ी है इस मुल्क में कि पहले सहाफ़ियों को इमरान खान के दौर में मारा जाता था घर से उठाया जाता था टॉर्चर किया जाता था और उनको नौकरी से निकलवाया जाता था अब जब से ये रजीम चेंज हुई है शहबाज शरीफ के दौर में अब नई रवायत चल पड़ी है अब सहाफ़ी देखें कत्ल होना शुरू हो गए हैं उनकी कब्रें बनना शुरू हो गई हैं अरशद शरीफ हमारे सामने जिंदा मिसाल अभी उसकी कब्र की मट्टी खुश्क नहीं हुई ये दूसरी कब्र तैयार करने की तैयारी में है एक ही दफ़ा सारे सहाफ़ी उसमें धर दिए जाएँ ताकि इस मुल्क से क्रिटिसिज्म करना इस मुल्क पे अदारों के हवाले से स्टोरियां करना वो बंद हो जाए सारों की सरदर्दी अशराफिया की जो है इस मुल्क की वो ख़त्म हो जाए फिर और ये वो एफआईए है कि जिसमें मेरी फैमिली से ज़्यादा वक्त जो है इस एफआईए में गुजरता है और ये उसका आप देख लें आपका सिला इस मुल्क में वैसे ही मैं कहता हूँ कि जो मरी हुई जो नई मुर्दा हालत में पार्लियामेंट है ना उसको करना क्या चाहिए वहाँ पे जो कुछ बेजमीर और कुछ बाजमीर चांद एक हैं आपको जब उनको पता करना क्या चाहिए उनको लॉ बना देना चाहिए कि इस मुल्क में सहाफत हुक्मरानी बंद है इस मुल्क आपको जब गिरफ्तार किया गया था मैं नाश्ता करके अपने 4 बजे में बैठा हुआ था जुमे का दिन था कपड़े प्रेस होने के लिए गए हुए थे क्योंकि जुमा जाहिर पढ़ना था इन्होंने 25-30 बंदे मुसल्ला ऐसे घुसे हैं जैसे कोई ओबीएल ऑपरेशन चल रहा है